चलिए देखिए वे मोशन में हम लोग जो इलेवेंथ क्लास का सिलेबस है मतलब तो ट्रैवलिंग वेब प्रोग्रेसिव वेव है ना जिसमें ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे साउंड वेव के लिए ठीक है तो इसमें जो सबसे मुश्किल जो चीज़ है ठीक है कि भाई एक दिखता नहीं कुछ जैसे वो लॉजो मोशन में आपको स्ट्रिंग टेंशन फोर्स फ्रिक्शन ये सब दिखा सकते हैं एफ में यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है तो यहाँ पे वेव इक्वेशन तक पहुंचने के लिए प्रॉपर आइडिया होना चाहिए एक प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए जिससे आप चीजों को विजुअलाइज कर पाए तभी आप स्टैंडिंग वेव फेस है ना वो बीट्स लिखना हो या जो कुछ भी लिखना हो हम लोग लिख सकते हैं अदरवाइज आप हमेशा इसमें वो अटक रहे हो मतलब रट करके कुछ कर पाएंगे नए नोम नहीं हो सकते आपसे है ना तो थोड़ा देखिएगा वे मोशन है क्या सबसे पहले अगर सिंपल मोशन की बात करते हैं तो अगर एक सीधा एग्जाम्पल अगर मैं दू आपको है ना कि भाई एक मोटर कार है ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है ठीक है सपोज ये वेलोसिटी से गया ठीक है जहां तक समझ आ है अब यहां पे हमने कुछ एक बॉक्स रख दिया उसको स्ट्राइक कर रहा है सपोज ये ठीक है तो एनर्जी के हिसाब से आप क्या कहोगे एनर्जी ट्रांसफर हुआ फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी ठीक है थ्रू द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट थ्रू द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी ये पहले यहां था यहां से यहां पहुंचता है एनर्जी क्या करता है ट्रांसफर करता है ठीक है तो यहां पे भी आप कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक तरीके से नॉर्मल तरीके से वो मीडिया की तरह से कहें, तो कहेंगे ये एक्सीडेंट हो गया पर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ऐसा करेंगे कि ठीक है एनर्जी यहां से इधर ट्रांसफर हुआ है ना एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वजह से कि ठीक है यहाँ से डिस्प्लेस हुआ और एनर्जी ट्रांसफर हुआ वेव मोशन और इसमें एक चीज कॉमन है वहां पर भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा बट ये तरीका चेंज हो जाएगा ये जो मेथड है एनर्जी ट्रांसफर करने का वो चेंज हो जाएगा जो इसको नॉर्मल ट्रांसलेटरी मोशन से डिफरेंसिएट करेगा और भी अलग अलग स्पेशल चीजें आती चली जाएंगी ठीक है तो अब देखिए इसमें क्या हो सकता है फिर से मैं एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं आपको है ना कि भाई मान लो ये बहुत सारे लोग अभी कौन सी फिल्म आ रही है चलो जो भी आ रही है सोना दंगल आ रही है है ना तो उसके लिए क्यू में लगे अभी है, है ना तो ये सात आठ दस लोग थे दस लोग ये हजार लोग एक दस के बराबर ऐसा सोच लीजिए बीस के बराबर ऐसा ठीक है अब ये फर्स्ट पर्सन है जो बिल्कुल काउंटर पे है ठीक है और ये आखिरी पर्सन है है ना तो ये आखिरी पर्सन जो हो गया इसने क्या करना है इसको धक्का देना है ये बाहर आता है धक्का दिया फिर क्या कहोगे आप ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस ट्रांसमिशन ऑफ डिस्टर्बेंस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये फिर से मैंने पहले वाला रिपीट किया कि एक्समेंटी मीडियम का जो पार्टिकल था वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जाता है और एनर्जी ट्रांसफर करता है ठीक है डिस्टर्बेंस ट्रांसमिट करता है ठीक है दूसरा क्या हो सकता है कि ये अपने सामने वाले को धक्का देता है इसने क्या किया अपने सामने वाले को धक्का दिया ठीक है तो क्या हुआ ये ऐसा यहां तक ट्रांसमिट हो जाएगा ये जो डिस्टर्बेंस था वो यहां तक ट्रांसमिट हो गया मतलब एनर्जी यहां तक ट्रांसफर हुआ ठीक है स्पेशल क्या हुआ इस बॉडी का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इस बॉडी का क्या हुआ एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है ठीक है मीडियम के अलग अलग है उसके थ्रू ये एनर्जी ट्रांसमिट हुआ अब इस एनर्जी के ट्रांसमिशन में आप देखोगे मतलब अगर जनरल वर्ड यूज करें ठीक है तो वहां पे क्या मीडिया वाला वर्ड लिखा तो क्या होगा ट्रांसमिशन ऑफ डिस्टर्बेंस एक डिस्टर्बेंस क्या हुआ ट्रांसमिट हुआ जो वहां तक पहुंच रहा है ठीक है तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी ठीक है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है इस वेव मतलब एक शॉर्ट में एक लाइन अगर बहुत सारे पॉइंट्स अब इसके साथ ऐड होते चले जाएंगे ठीक है तो यहां तक सबके समझ आ रहा है ये कैसे लिखा क्यों लिखा यहां तक समझ आ गया गुड अब देखो तो थोड़ा सा एक जो पार्ट आपको समझ आया वो क्या है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी ठीक है मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस वो वेव शुरू हो जाती है वहां से कहानी है ना सबसे पहले चीज वेव इन स्ट्रिंग से शुरू करते हैं जहां से वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये समझना बहुत जरूरी है ठीक है और मैं पूरी अथॉरिटी से अभी इस लेक्चर में कह रहा हूं अभी जितने लोग आप इसको देख रहे हो 99% लोगों को वो वेव इक्वेशन लिखते कैसे आता कैसे और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो नहीं पता है वो भी 10-15 मिनट में हमें समझ आ जा जाए अच्छा क्या सिर्फ y इज एकल टू ए साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख देना काफी नहीं है हाँ सिर्फ सिलेबस खत्म करना है काफी है ठीक है तो अभी देखिए कि भाई हमने एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया यहां यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है ठीक है और यहां पर ठीक है इसको एक सिंपल स्नैप एक जेंटल जर्क दिया है यहां पे ठीक है तो हमने पहले स्ट्रिंग को क्या करोगे खींच लेना तो जैसे टी आ जाएगा उसके बाद एक स्नैप एक हल्का सा एक जर्क दीजिएगा तो उस जर्क से क्या होगा यहां पे एक पल्स जनरेट हो जाएगा ये क्या होगा ऐसा करेंगे क्या होगा पल्स जेनरेट होगा ठीक है अब ये पल्स ट्रेवल करने लग जाएगा आगे को ये पल्स क्या होगा आगे को ट्रेवल करने लग जाएगा समझना मैंने पहले इसको और ये एनर्जी। एनर्जी जैसा वहां पे हुआ था नहीं वो दंगल फिल्म वाले ना फोर्स लगाया भी तो क्या हुआ यहां से वो डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसमिट हो रहा था तो जिस वेलोसिटी से वो डिस्टर्बेंस ट्रांसमिट हो रहा था क्या है तो एक्जैक्टली वही चीज वो वहां से विजुलाइज़ कर रहे तो उसको थोड़ा सा और शार्प उसमें लेकर के आए वही आइडिया यहां पे लगाएंगे हम है ना? कि भी अगर ये है, तो डिस्टरबेंस क्या होगा ट्रैवल करने लग जाएगा तो डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है तो जिस से जाएगा, वे तक समझ आ रहा है अब एक चीज देखिएगा अब ये देखो ये जो स्नैप बना ये पार्टिकल्स जो थे वो ऊपर चला गया मतलब उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आई उसके ऊपर गया मतलब ऊपर जाए तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी अब उसके पास है वो इलांगेशन की वजह से स्ट्रिंग में जो आया होगा है ना अब ये क्या होगा ये आगे ट्रांसमिट होता जाएगा सपोज एट एनी टाइम टी ये पल्स यहां पहुंच जाता है लिख सकते तो जो वेव था वो यहां तक ट्रैवल कर गया मतलब ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल कर रहा है दूसरे वर्ड्स में देखो यहां का जो अगर ऐसा बन रहा है मतलब ये पार्टिकल ऊपर आ गया मतलब पार्टिकल अपने आप ऊपर तो आना नहीं कोई जादू तो है नहीं जब तक दो ही तरीका है फिजिक्स के टर्म्स में कहे दो तो, एनर्जी मिली तो उस एनर्जी के वजह से क्या होगा वो मूव किया होगा तो मतलब ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी दिख रहा है और ये वाला स्ट्रिंग यहां पहुंच गया क्या नो no. जो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग यहां था वो यहीं पे है जो स्ट्रिंग इसके हाथ में था वो यहीं पे है डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है ठीक है तो वेव का जो मेन जो पॉइंट है वो क्लियर हो रहा है यहां पे कि मूवमेंट नहीं होना है सिस्टम के पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट तो नहीं होना है भाई ठीक है वो ऑसोलेट करेगा अभी वहां तक पहुंचेंगे हम लोग है ना यहां तक समझ आ गया अब अगर हम लोग यहां से देखें देखिएगा ये लिख सकते कोई डाउट है किसी को इसमें ये कैसे लिख दिया क्यों लिख दिया यहां तक समझ आ रहा है अब अगर हम लोग यहां पे पार्टिकल की पोजीशन की बात करें ये हमने इतना बना दिया एक पल्स बना दिया और ये पल्स मूव करने लग गया एक सिंगल पल्स था जो वहां तक ट्रेवल करके पहुंचेगा तो एट दिस मोमेंट है ना तो जैसे इस पार्टिकल की बात की ठीक है तो इस पार्टिकल के लिए ग्राफ बन गया पार्टिकल क्या हुआ? एक ऐसा जाएगा लिख सकते ना तो अगर जिस पॉइंट पे इस बंदे ने उसको पकड़ा हुआ था जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग के एक एंड पे उसने उसको पकड़ा हुआ था लिख सकते तो एंड पे जो उसने उसको पकड़ा हुआ है उस स्ट्रिंग पॉइंट को वो टाइम के साथ डिस्प्लेस हुआ वो टाइम के साथ क्या हुआ डिस्प्लेस हुआ तो वाई एक्सेस पे उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन मिल सकती मिल सकती है ना तो देखो जो वाई होगा वो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा हो जाएगा जो वाई होगा वो क्या होगा फंक्शन ऑफ इसको समझना इसको मैग्निफाई करके मैं दिखा रहा हूं जब इसने जर्क देना शुरू किया था शुरू में वो पार्टिकल यहां था फिर क्या होगा ऊपर गया होगा फिर वो क्या होगा नीचे आया होगा तो अलग अलग टाइम पे उसकी अलग अलग पोजीशन होगी तो अगर एक सिंपल फॉर्मूला जो निकलने का है निकालने का है उसका पोजीशन क्या होगा एट एनी टाइम टी आप उसको y लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना तो वाइजल टू फंक्शन मतलब वाई जो आया वो टाइम के फंक्शन में आ जाएगा यहां तक समझ आ गया अब बात आती है कि भाई ठीक है इस पार्टिकल का हमने ऐसा निकाल दिया अब ये जो डिस्टर्बेंस है ये तो आगे जा रहा है अब कोई कहता है कि भाई मेरे को इस पार्टिकल की है ना विच इज़ लोकेटेड एट एक्स, जो कि एक्स पे सिचुएटेड है पार्टिकल स्ट्रिंग है तो डिस्टर्बेंस तो ट्रेवल करके यहां तक भी पहुंचा होगा आगे भी जाएगा तो भाई यहां वाले पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा वो बता दो देखना सोचना यहां पे, कि भाई टी जीरो से हमने कहानी शुरू की तो जस्ट शुरुआत पहले पार्टिकल की बात की जो बिल्कुल एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे है जिस पॉइंट को उस बंदे ने होल्ड किया हुआ है ठीक है उसके लिए तो सीधा निकल गया कि पार्टिकल और लेट से पहुंचा होगा उस पार्टिकल तक डिस्टर्बेंस क्या होगा थोड़ा लेट से पहुंचा होगा कितने लेट से पहुंचा होगा तो जितना टाइम इस डिस्टर्बेंस को इस पल्स को यहां तक आने में लग गया है ठीक है तो इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग जाएगा x क्योंकि ये जो पॉइंट है वो x पे सिचुएटेड है और जिस वेलोसिटी से तुम्हारा ये पल्स ट्रेवल कर रहा है दैट इज v वेरी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर v कैलकुलेट करेंगे ठीक है फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब हर एक चीज पूरे सीरीज में सिखा दूंगा आपको अब देखिएगा यहां तक समझ आ रहा है तो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल में जो डिफरेंस आया मोशन तो वैसा ही है आपको यही समझना है कि अगर ये मीडियम यूनिफॉर्म है सब कुछ सब परफेक्ट है तो जैसा पल्स यहां पे बनेगा एग्जैक्टली exactly वही चीज आगे ट्रांसमिट हो जाएगा जितने लोग क्यू में थे दंगल के लिए नहीं तो अगर सब कुछ आइडल है बीच में तो जितना तेज धक्का हमने फर्स्ट को दिया एक्जैक्टली exactly वही ट्रांसमिट होता चला जाएगा आखिरी तक एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है वो कम होता चला जाएगा कुछ और अलग अलग चीजें आएंगी है ना बट हमने यहाँ पे क्या सब कुछ आइडल बिल्कुल परफेक्ट एज्यूम किया हुआ है ठीक है सिर्फ डिफरेंस इसमें यह है डिफरेंस ऑफ टाइम कि भाई यहां तक पल्स थोड़ी लेट से पहुंचा है ठीक है कितना लेट से पहुंचा अपॉन वी तो अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि एट टाइम टी एट टाइम टी इस पार्टिकल की पोजीशन चाहिए वाई पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप ये कह सकते हैं अब मैं इसको थोड़ा अलग से समझाता हूं कि भाई यहां से यहां तक आने में इसको दो सेकेंड लगता है यहां से आने में कितना लगता है दो सेकेंड लगता है और मैं आपसे कह रहा हूं कि चार सेकंड में इस पार्टिकल पांच सेकेंड में आपके पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस पार्टिकल की तो 5 second, particle, पास कब बना होगा थ्री सेकेंड में बना होगा क्योंकि ये दो सेकेंड यहां से यहां तक पल्स को आने में लग गया तो इसके पास जब पल्स होगा वो कितना उतना टाइम पीछे होगा ना जितना टाइम पल्स को यहां से यहां तक लगने में आने में लग गया कितना टू सेकेंड और मैं आपसे पांच सेकेंड पूछ रहा हूं आप सीधा ऐसा सोचो ना फाइव सेकेंड दिया इसको कितना एग्जैक्ट टाइम मिला आप इसको ऐसा समझो यहां से बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि वेब आप ऐसा समझो ये बिल्कुल समझ आ जाएगा वेब स्टार्ट होने के बाद वेब स्टार्ट होने के बाद पल्स स्टार्ट होने के बाद जो टाइम है वो टाइम अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा देन विल गेट डिस्प्लेसमेंट क्लियर है यहां पे किया मैंने कहा पांच सेकंड में निकालो भाई इसका डिस्प्लेसमेंट वे पहुंचा इस पे कितने टाइम पे दो सेकंड में तो इसको टाइम कितना मिला थ्री सेकंड ना तो आप क्या करोगे फाइव माइनस टू करोगे तो अब अगर मैं इन जनरल लिखू टी के टर्म्स में लिखूं तो अब इस पार्टिकल की अगर बात करेंगे तो वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी लिख सकते क्या कहानी यही खत्म बिल्कुल भी नहीं होती ये जो डिराइव कर रहे हैं हम लोग एक्चुअल मोशन से फिर आप देखेंगे देखिए रेस्टिकलेडे उठाइएगा उसमें स्नैपशॉट से फिर डिराइव करने का और एक बहुत शानदार क्वेश्चन है जो बिना किसी मैथ्स के बनता है देख करके कि भी पल्स ऐसा है ये स्नैपशॉट है तो वाई वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा हो जाएगा मतलब मैं दावे से कह सकता है दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ अ पल्स दिस इज द स्नैप शॉट ऑफ अ पल्स किसी एक पल्स का स्नैपशॉट है एट एनी टाइम टी अब इसमें किसी पार्टिकल का ग्राफ खींचना है वाई वर्सेस टी वाई वर्सेस टी ग्राफ खींचना है वो कैसा बनेगा आप देखिएगा एक तरफ छोटा एक तरफ ट्राई करिएगा इसको सिर्फ सॉल्व करना बहुत मुश्किल वो टारगेट नहीं है मतलब अगर समझ है तो एक सेकंड में को गया अच्छा क्या होना चाहिए ये उल्टा होना चाहिए यही होना चाहिए, चाहिए मिरर इमेज होना चाहिए अभी जब एक बार ये समझ जाएंगे तो तुरंत आप लिखोगे क्या होना चाहिए है ना तो यहां तक समझ आए तो देखो अब क्या होना चाहिए इज वाईजल टू फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाईव यहां तक समझ आ गया तो भाई अब एक पल्स जनरेट हुआ वो आगे बढ़ रहा है यहां तक पहुंच गया ठीक है अब क्या होता है कि ये तो एक पल्स बना और वो चला गया अब वो बंदा क्या करता है एक फिक्स में ऐसा करता रहता है तो ट्रेन ऑफ पल्स हो जाएगा एक पल्स दूसरा कंटिन्यूसली फिर निकलता चला जाएगा यहां तक समझ आ रहा है फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मतलब इतना था वेव

उसके लिए तो इक्वेशन सीधा है y to a sin omega t अगर हमने जीरो इनिशियल फेज लिया है तो इस पार्टिकल का क्या कर रहा है वो एस एच एम कर रहा है तो एस एच एम कर रहा है तो एस एच एम करने का मतलब क्या हो गया ये हमने पढ़ा हुआ है ना एस एच एम में अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो जो इक्वेशन होना चाहिए शुड बी a sin omega t विद जीरो इनिशियल फेज यहां तक समझ आ रहा है ये जनरल केस था वो ये उसका स्पेशल केस हुआ और स्पेशल केस कैसा जब ये पार्टिकल एस एच एम कर रहा है ये पार्टिकल ठीक है अब मैं नेक्स्ट पार्टिकल जाऊंगा मतलब वेव है तो पूरे मीडियम में तो दूर क्या होगा तो दूर फिर ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा तो सब कुछ वही रहेगा सिर्फ टी के प्लेस पे टी माइनस एक्स वी होना चाहिए तो हम लोग क्या लिख देंगे वाइज इक्वल टू ए साइन यह सब कुछ ठीक था जब पहले पार्टिकल की बात थी तो सीधा ओमेगा टी बिकॉज उसके लिए होमें था अब क्या करेंगे ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी लिख सकते अब यहां से देखोगे वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी लिख सकते ओमेगा टी ओमेगा अंदर ले आए लिख सकते ना माइनस ओमेगा एक्स अपन वी लिख सकते अब अगर इसको लिखते हम लोग ए साइन यहां तक समझ आ गया इसमें कोई दिक्कत है किसी को लिख सकते हैं ना अब देखो इसको क्या लिख सकते देखो ओमेगा को देखो ओमेगा अगर आपने लिखा होगा तो देखो ओमेगा इज टू लिख सकते ना लिख सकते कोई डाउट है किसी को तो ये हमने इस तरह से लिख दिया कैसे लिखा समझ आ रहा है एफ टी माइनस एक्स वाई भी टी माइनस एक्स वाई क्यों लिया यहां तक समझ आ रहा है देखो, सीधा टी हमने क्यों लिया था यहां पे सीधा टी क्यों लिया था जब फर्स्ट पार्टिकल की बात की तो वही यहां कर दिया। देखना थोड़ा सा समझना फर्स्ट पार्टिकल जो उसको ऑसोलेट रहा था जहां पे ओरिजिन ऑफ द वेव था तो वो सीधा वहीं पे आ रहा है तो सीधा ये फॉर्मूला काम आएगा कि एट एनी टाइम टी अगर डिस्प्लेसमेंट उसका पोजीशन उसका जानना चाहूंगा दूर जो चला गया वेव सिर्फ टाइम का गैप काम आना था वो मैंने आपको बता दिया क्यों टी माइनस एक्स वाइवी लिखेंगे लिख सकते वो हमने क्या किया सब कुछ एज इट इज रहने दिया टी माइनस सिक्स वाइवी इसका मत थोड़ा सा और समझ लीजिए ये एक स्पेशल केस हो गया जो साइन वेव हुआ जो क्या हो गया साइन वेव ऐसे इनफाइनाइट वेव्स पॉसिबल है वो किसी भी तरीके से पीरियडिक मोशन कर सकता है वो एक्सपोनेंशियल सीरीज में कर सकता है अलग अलग तरीके से कर सकता है फिर हम लोग सॉल्व करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल देते तो कौन कौन सा वेब है कौन कौन सा नहीं है वो सब पता करना है ना एक स्पेसिफिक टाइप का था यहां तक पहुंच गए इसको ओमेगा टी रहने दीजिए रख सकते इसको क्या लिख सकते टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते अरे ओमेगा को टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते इंटू एक्स अपॉन अब जो ये वेलोसिटी है ये आपने पहले पढ़ा हुआ है क्लास नाइन्थ में याद है वेवलेंथ लिख सकते तो वेलोसिटी ऑफ वेव को फ्रीक्वेंसी इनटू लैमडा लिखते तो इसको लिख दीजिए आप फ्रीक्वेंसी इनटू लैमडा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा टू पाई बाय लैमडा जो है इसको एंगुलर वेब नंबर कहते हैं इसको क्या कहते हैं एंगुलर वेब नंबर दैट इज के तो टू बाय बायडा एंगुलर वेव नंबर ठीक है तो फाइनली हमें क्या फॉर्मूला मिल गया वाइजिकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते है? अब यहीं पे देखो इनिशियल फेज हमने जीरो रखा हुआ था अगर मैंने इनिशियल फेज फाइव प्लस फाइव कुछ लिया होता तो क्या होता इन जनरल हम लोग इसको वाइजिकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिख सकते यहां तक समझ आ गया अब आप तुरंत इसमें कहोगे अगर मैं सीधा ये इक्वेशन लिख दूंगा मैं कहूंगा वट इज वाई आप कहोगे इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस विच इज लोकेटेड एट एक्स एट टाइम टी और थोड़ा समझाता हूं वेब अगर है किसी मीडियम में तो बहुत सारे पार्टिकल एक साथ ऑसोलेट कर रहे हैं बहुत सारे पार्टिकल क्या हो गए एक साथ ऑसलेट तो कर रहे हैं। तो भाई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो किसका डिस्प्लेसमेंट? उसको भी तो लोकेट करना पड़ेगा ना अभी जैसे आपके क्लास में फिफ्टी स्टूडेंट्स बैठे अब मान लो मैं कहता हूं कि एक टेस्ट हुआ आपका ठीक है और पागल को मैं यार टेस्ट में किसका पचास लोग बैठे भाई समझना यहां पे क्या है पचास लोग बैठे तो मेरा सिर्फ ये कहना कर ही नहीं सकते समझ आ रहा है अगर एक ही स्टूडेंट होते तब फिफ्थ टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस है वो क्वेश्चन वैलिड था तो अगर एक पार्टिकल एस एच एम कर रहा है फर्स्ट फर्स्ट पार्टिकल 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 एक स्पेसिफिक है तो फॉर दिस इज द फाइनल कुछ और करने की जरूरत नहीं है लिख सकते ना लेकिन अगर इस पार्टिकल की बात की जाए कि भाई इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में कितना होगा तो इस पार्टिकल का नाम भी देना पड़ेगा जैसे टेस्ट में अब मैं कहूंगा हाँ भाई अभी तुम्हारा कितना रिजल्ट है तो वो नाम स्पेसिफाई करना पड़ा ना तो वो कहां से स्पेसिफाई होता है x से तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कौन सा पार्टिकल विच इज लोकेटेड एट x एट टाइम t मतलब जो इनिशिएशन पॉइंट से x पे जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t बता रहा है ये वेव इक्वेशन हुआ यहां तक समझ आ रहा है सीधा यहां से शुरू कर देते हैं हम लोग वो फील आता ही नहीं सब्जेक्ट का वो जीरो होता है एक महीने पहले बा, बाद आप भूल जाओगे है ना इसको एक बार हम लोग कंप्लीट करते हैं एक एक स्टेप मैं कहता हूं मतलब मास्टरी जैसी होगी उसमें वेब में हर एक चीज आपको पता होगा ऐसा होता है तो ये कैसे लिख दिया हमने यहां तक समझ आ गया अब आगे क्या करना है ये हो गया स्नैपशॉट से मतलब एक किसी टाइम टी पे पल्स का स्नैपशॉट ले लिया अब उससे खींचेंगे उससे इक्वेशन डेराइव करेंगे आएगा ऐसा पढ़ते हैं हम लोग दोनों एक ही बिल्कुल ठीक है अगर फंक्शन के नाम पे जाए रिजल्ट के नाम पे जाए तो एक ही होगा बट कॉन्सेप्चुअली अलग अलग चीजें होंगी है ना तो वो डिफ्रेंसिएट करना जरूरी है ठीक है जिस जिस वेलोसिटी वेलोसिटी से से पल्स पल्स कर कर रहा था, कर रहा था था वो वेव की वेलोसिटी हुई अब जिस वेलोसिटी से ये ऑसोलेट करेगा वो पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी तो उसको डिफ्रेंशिएट करके मिलेगा ठीक है तो नेक्स्ट जो अब क्लास होनी है उसमें हम लोग करेंगे कि ये पल्स है ये कितनी वेलोसिटी से जाएगा तब उसमें मैकेनिक्स यूज करेंगे टेंशन का क्या रोल होगा स्मॉल एलिमेंट पे सेंट्रिफिकल फोर्स लिखेंगे वहां से निकालेंगे हम लोग ठीक है तो इसको बिल्कुल आप एक बार देख लीजिएगा और इस पूरे सीरीज में आप बिल्कुल निश्चिंत रहे वो हर एक चीज वेब के सिखा दी जाएगी आपको ठीक है